गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी गुड, हेल्दी एंड एंजॉइंग लाइफ एट योर होम्स. सो बी सेफ, वियर मास्क, कीप डिस्टेंस एंड बी हेल्दी. माय डियर्स, आज हम लोग आपकी अ पैक्ट विद द सन जो इंग्लिश की बुक है उसका सेकेंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि बहुत मज़ेदार और रोचक कहानी है. और उस कहानी में हमें एक मॉरल भी जो है वो सीखने को मिलेगा. लेकिन वन थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क यू पीपल, कि क्या आपने कभी अपने घर में कोई पालतू जानवर रखा है, पाला है कभी? ऑफ़ कोर्स पाला होगा, कुछ ने पाला होगा, कुछ ने नहीं पाला होगा. ठीक है, सो सम पीपल they have interest making pets. कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा interest होता है pets बनाने का. कुछ लोग जो है वो dogs को pets बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो cows को pets बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो komodo dragon को जो है वो pets बनाते हैं. ठीक है, छिपकलियाँ जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, अमेरिका में एक ट्रेंड है ये. इसके अलावा some people they used to make monkeys as pet. monkeys को भी जो है वो pet बनाते हैं. ठीक है, इसके अलावा सम पीपल दे मेक पेट एज अ हॉर्स, घोड़े को भी बना लेते हैं. सो देर आर सो मेनी एनिमल्स हु हैव बीन मेड एज पेट. सो टुडे इन द स्टोरी द फ्रेंडली मोंगूज. ठीक है, अब यहाँ पर मोंगूज जो है वो एक पेट के रूप में यू विल सी हियर. मोंगूज यानी नेवला. तो नेवले को जो है वो एक पेट के रूप में जो है वो आप देख सकते हैं कि किस स्टोरी, इस स्टोरी में जो है वो मेन कैरेक्टर किस तरीके से जो है वो प्ले कर रहा है. सो ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड ही इज द विक्टिम ऑफ द स्टोरी ऑल्सो. इस कहानी का विक्टिम भी जो है वो यही मोंगूज है. लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं जो इसके राइटर हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा. बेटा, आपने शायद अभी इनका नाम नहीं सुना होगा, विष्णु शर्मा जी, जो जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है पंचतंत्र. और पंचतंत्र में न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा सीख देती हैं. दे आर फुल ऑफ मॉरल्स, दे हैव स्पेशल मैसेजेस फॉर वी पीपल दैट वी शुड अबाइड बाय सम मैसेजेस इन अवर रियल लाइफ. हमारी रियल लाइफ में भी जो है वो हमें उन मैसेजेस का, उन उपदेशों का पालन करना चाहिए. सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी वी हैव सम वर्ड्स. हमारे पास कुछ एक वर्ड्स हैं, हम लोग उनके मीनिंग्स जो है वो जानना चाहेंगे. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज मोंगूज, मीन्स नेवला, पेट पालतू, कंपेनियन साथी, क्रेडल पालना या झूला. किसी छोटे बच्चे को जो है वो किसी पालने में रखा जाता है, ठीक है, या झूले में रखा जाता है. सो उस पालने की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, दैट इज क्रेडल. सो क्रेडल इज मेंट फॉर स्मॉल बेबीज टू टेक रेस्ट, टू फास्ट, टू स्लीप. सो नेक्स्ट वर्ड इज ग्रॉसरीज. ग्रॉसरीज मीन्स टू से मर्चेंडाइज, राशन जिसे हम कहेंगे, राशन का सामान जो होता है, घर का सामान जो होता है, जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, दालें हो सकती हैं, मसाले हो सकते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स दे कम अंडर अ सिंगुलर वर्ड दैट इज ग्रॉसरीज, राशन. एंड नेक्स्ट वर्ड इज पॉज. पॉज पंजे. पंजे कहें तो किसके, डॉग्स के भी हो सकते हैं. ठीक है बेटा, जो उनके फ्रंट जो लेग्स होती हैं और हैंड्स, यू कैन से दैट उनके जो आगे के हैंड्स होते हैं वो पंजे, जिनमें नेल्स जो है वो बाहर की तरफ को काफी ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा नुकीले, यू कैन से दैट वेरी शार्प नेल्स दे हैव. सो पॉज पंजे. यहां पर जो पंजों की बात किसकी आ रही है, नेवले के पंजों की भी बात आ रही है. सो पॉज पंजे. स्मियर्ड, सना हुआ. अब स्मियर्ड से यहां पर हमारा मतलब क्या है? स्मियर्ड मीन्स टू से समथिंग विच इज you can say that which is rinsed with our hands, which is rinsed with our
बॉडी, जो हमारी बॉडी के साथ रिंस हो जाता है, सना हुआ, स्मीयर हुआ, ठीक है। जैसे हम अपने हाथों को अगर किसी कलर में डाल देते हैं, सो वी कैन से दैट माय हैंड्स आर स्मीयर्ड विद कलर, ठीक है। अब यहां पर जो बात होगी वो ब्लड की बात होगी, बिकॉज द मोंगूज पॉज दे विल बी स्मीयर्ड विद ब्लड, ठीक है। वो उसके जो पंजे हैं वो ब्लड से स्मीयर्ड होंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज विकेड। विकेड मीन्स बुरा। हिस्टेरिकली, डर से युक्त या डर से। रेज, गुस्सा। स्ट्रेंथ, शक्ति। फास्ट एस्लीप, गहरी नींद। जब इंसान जो है वो गहरी नींद में होता है, सो वी कैन से दैट ही इज फास्ट एस्लीप, वो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में है। सो दीज आर सम वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और जैसे ही हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक देखते हैं, सो यू विल सी ऑल दीज वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक। आप उस लेसन में भी ये वर्ड्स जो है वो देखेंगे। सो वट इज नीडेड? द नीड इज टू राइट ऑल दीज वर्ड्स विद योर मीनिंग्स इन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक में ये वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जो है वो लिखने हैं और उनको लर्न करना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। सबसे पहले मैं इस कहानी को एंजॉय करने के लिए बड़े शॉर्टकट में आपको हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। एक गांव है जिसमें एक औरत और एक व्यक्ति जो है वो रहते हैं। वो किसान होते हैं और उनके घर में एक बेटा है और वो बेटा उनको बहुत प्यारा है, छोटा सा है। उसके साथ वो खेलते हैं, ठीक है। उसके साथ ही जो है वो काम पर जाते हैं। अगर एक व्यक्ति काम पे जाएगा तो दूसरा उस बेटे की जो है वो केयर करने के लिए घर पे होगा। फिर एक दिन क्या हुआ, किसान ने सोचा कि क्यों ना मैं एक पालतू जानवर ले आऊं जो हमारे बच्चे के साथ खेलेगा और उसका साथी बन के रहेगा। सो ही डिसाइडेड टू ब्रिंग अ पेट एज मोंगूज। उसने फिर एक मोंगूज लेकर आया, नेवले को लेकर आया, और वो नेवला भी जो था वो बच्चा था, छोटा बच्चा। एंड विद इन 5 to 6 months, 5 से 6 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ, वो मोंगूज भी जो है वो बड़ा हो गया, अपने फुल साइज का हो गया, और वो छोटा बच्चा भी जो है वो उस मोंगूज के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गया। अब एक दिन क्या हुआ, जो उसकी मदर है, बच्चे की जो मदर है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे आज बाजार जाना होगा, कुछ सामान लाना है, राशन का खत्म हो चुका है और इसलिए मुझे बाजार जाना पड़ेगा, लेकिन आप आज जो है वो बेटे के साथ जो है वो घर पे रहिएगा। लेकिन इस बात से जो उस बच्चे के जो पिता हैं वो कहते हैं कि मुझे घर में रहने की क्या जरूरत है, हमारा पालतू छोटा नेवला जो है वो उसके साथ रहेगा, वो तो उसकी रक्षा भी करेगा, उसके साथ खेलेगा भी, तो हमें क्या जरूरत है। तो उसने उसी नेवले को उस छोटे से बच्चे के पास छोड़ा और खुद जो है वो अपने खेतों की तरफ चला गया। और दूसरी तरफ वो लेडी भी जो है वो क्या है, वो मदर, वो बाजार चली जाती है और अपनी शॉपिंग खत्म करने के बाद काफी देर के बाद जो है वो जब वो घर पहुंचती है तो नेवला जो है, जैसे एक कस्टमरी आदत थी उसको कि जब भी उसके मालिक, यानी उसका मालिक या उसकी मालकिन जो है वो घर की दहलीज पर कदम रखती थी तो वो दौड़ के उनके पास जाता था, उनके पैरों में जाता था। तो उसी तरीके से वो भाग कर उसके पास आता है, लेकिन उसको देखकर जो है वो मालकिन जोर से चिल्लाती है। वो क्या देखती है कि उस नेवले के जो पंजे हैं वो खून से सने हुए थे, ठीक है। ऑल ओवर ब्लड इन द पॉज ऑफ मोंगूज, द ब्लड वॉज कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑल्सो, मुंह से भी उसके ब्लड जो था वो निकल रहा था। तो इस बात को देखकर जो है वो एकदम से उस लेडी ने स्पेक्यूलेट किया कि इट मे बी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि शायद इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला। एकदम से उसको गुस्सा आ गया और उसने ना आप देखा ना ताप, और उस ग्रोसरी से भरी हुई टोकरी जो है उसने उस नेवले के ऊपर दे मारी। इन द मीन टाइम मोंगूज डाइस, उसी समय उस नेवले की जो है वो मृत्यु हो गई, मर गया वो। लेकिन गुस्से में और चिंता में
माँ जो है वो फटाफट अपने बेटे की तरफ दौड़ती हुई जाती है और वो क्या देखती देखती है, पालने में उसका बच्चा जो है वो गहरी नींद में सो रहा होता है। अब जैसे ही वो उसको सोता हुआ देखती है तो वो थोड़ा निश्चिंत हो जाती है, लेकिन जब उसकी नजर पास में ही पड़े एक मृत यानी मरे हुए सांप पर पड़ती है तो एकदम से उसको सारी की सारी बात जो है वो समझ में आ जाती है। उसको एकदम से लगा कि ओहो, ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, जरूर इस नेवले ने इस सांप को मारा होगा जो कि मेरे बच्चे को काटने के लिए यहाँ पर आया होगा। अब इस बात को देख लेकर जो है वो बड़ी परेशान होती है और बाहर जैसे ही आती है तो उस नेवले को जो है वो मरा हुआ देखकर बहुत ही जो है वो पछताती है। तो इस कहानी में एक छोटा सा मॉरल भी है, मॉरल ये कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी इट इज नो यूज क्राइंग आफ्टर ओवर स्पिल्ट मिल्क। कोई काम जब हम गलती में या गुस्से में कोई गलती कर देते हैं, क्योंकि गुस्सा जो है वो देखो क्या होता है, गुस्सा जो है वो एक ऐसा स्पेल ऑफ इमेज है, एक ऐसा स्पेल है हमारा जिसमें हमारे सोचने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। गुस्सा हमारे सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। जब जब भी हमें गुस्सा आता है बिना सोचे समझे हम कोई ना कोई अपशब्द कह देते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा गलत काम कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए और बाद में हमें उसके लिए पछताना पड़ता है। सो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यही स्टोरी का मॉरल था। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी इन इंग्लिश सेगमेंट। वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ विलेज एंड देर वर टू पर्सन्स, वन हस्बैंड एंड अ वाइफ, दे वर लिविंग विद देयर सन। सो दे लव देयर सन वेरी मच। सो वन डे फादर डिसाइडेड दैट ही शुड ब्रिंग अ पेट फॉर हिज सन, हु विल प्ले विद हिज सन, हु विल गार्ड विद हिज सन। सो ही डिसाइडेड टू ब्रिंग अ मोंगूज। इज इट स्ट्रेंज, मोंगूज, यू नो सम मेनी पीपल दे कीप डॉग्स, दे कीप मंकीज एज पेट, बट हेयर दिस पर्सन ब्रॉट अ मोंगूज फॉर हिज चाइल्ड। सो आफ्टर 5 to 6 months द मोंगूज ग्रू फुल ऑफ इट्स साइज एंड ही वॉज वेरी मच इंटीमेट विद द बेबी। सो वन डे द लेडी सेड टू हर हस्बेंड दैट शी शुड गो टू मार्केट एंड ब्रिंग सम ग्रॉसरीज फॉर होम। सो हर हस्बेंड सेड ओके दैट्स ओके, यू यू मे गो। सो द लेडी सेड दैट द बेबी शुड नॉट बी केप्ट अलोन एट होम। सो द फार्मर सेड माई डियर वाई आर यू सो वरीड, मोंगूज इज देयर विद द कंपनी फॉर अवर चाइल्ड, सो ही विल टेक केयर ऑफ अवर चाइल्ड, ही विल प्ले विद हिम, सो वाई टू वरी। देन द मैन ही लेफ्ट फॉर हिज फील्ड एंड द लेडी शी लेफ्ट फॉर द मार्केट। आफ्टर सम टाइम वेन द लेडी केम बैक विद द मर्चेंडाइज विद द ग्रॉसरीज एंड ऑन सीइंग द लेडी द मोंगूज रैन टूवर्ड्स द लेडी टू वेलकम हर। द लेडी सॉ द मोंगूज एंड शी स्क्रीम्ड, ओ माई गॉड, ब्लड, माई बेबी, वॉट अबाउट माई बेबी, दिस विकेड मोंगूज हैज किल्ड माई बेबी। यस श्योरली दिस विकेड मोंगूज हैज किल्ड माई बेबी। देन शी पुट द बकेट फुल ऑफ ग्रॉसरी अपॉन द मोंगूज एंड शी किल्ड द मोंगूज इन दैट मीन टाइम। She came inside. Then she saw her baby was asleep in the cradle. So she was very much satisfied. But in the meantime, she saw a snake over there. The snake was blood spurted, dead over there. The whole story came into the mind of the lady that it may be possible that this mongoose has killed the snake in order to save the child. But alas, it was too late because the mongoose has died now. She was very much feeling repentance. She was very much making remorse
But now it was too late. Mongoose cannot come back. So she took the baby and she went inside to feed him up. So what is the moral comes out of the story? That whatever we should do, we should think. We should not say anything in rage, in anger. Because anger or rage, it simply does nothing. It simply, you can say that, pollutes our wit. It simply pollutes our wisdom. So we people won't be able to decide what is right and what is wrong. So this was the moral of the story. And we should also abide by the same moral in our real life. So dears, all the questions and answers I have already given to you in the morning. So this was the story. So till the next chapter, till then, bye bye, take care.